गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। ये देखिए, ये पुलिस ने बैरिकेड लगाया था, सुबह आंसू गैस के गोले छोड़े थे, इस तरह की बैरिकेडिंग की गई थी पूरी, उसको किसानों ने ब्रेक थ्रू किया है। आंसू गैस के छोड़े, देखिए ये देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, टीयर गैस छोड़े गए थे और पूरा बैरिकेड किया गया था पुलिस ने, पूरा बैरिकेड किया था पुलिस ने, उसके बाद किसानों ने तोड़ दिया। अभी जो खबर मिल रही है, किसान जो है वो पहुंच चुके हैं, उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, किसान पहुंच चुके हैं जंतर मंतर तक, संसद मार्ग पर कब्जा की कोशिश है, किसान जंतर मंतर के आसपास पहुंच गए, पूरा ITO जाम कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, आशीष दिखाइए, यहाँ से आशीष दिखाइए, पूरा बैरिकेड को तोड़ दिया है किसानों ने। उसके बाद किसान जो है वो सड़कों पर है, भैया थोड़ा साइड रहिएगा, नीचे ही रहिए, नीचे ही रहिए थोड़ा सा भैया। तो ये तस्वीरें देखिए, किसान जो है उन्होंने कब्जा कर लिया है सड़कों पर और अब वो लौटने वाले नहीं है। सरकार ने कहा था परेड की अनुमति होगी, लेकिन जिस तरह से बैरिकेड लगाया गया, जिस तरह से तमाम किसानों को रोका गया, किसानों का जनसैलाब उमड़ा है, किसानों का जनसैलाब उमड़ा है, किसानों का जनसैलाब उमड़ा है, नहीं होगा रहने दो, किसानों का जन, आप दिखाइए दिखाइए, किसानों का जनसैलाब उमड़ गया है और कोई भी अब मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए दिल्ली के लोग कैसे समर्थन कर रहे हैं, अपने अपने छतों से किसानों को देख रहे हैं, देखिए तिरंगा। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा साइड होइएगा भैया, मैं आपको बता दूं, हटिए हटिए, थोड़ा सा साइड होइए, तो मैं आपको बता दूं, किसानों का जनसैलाब देखिए, भैया थोड़ा सा हटनीगा हटिएगा, किसानों का जनसैलाब दिखा रहा हूँ, किसानों का जनसैलाब दिखा रहा हूँ, किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने अब तय कर लिया है, किसानों ने तय कर लिया है कि वो दिल्ली जाएंगे तो जाएंगे, संसद भवन के पास पहुंच चुके हैं वो, और किसानों का ये जत्था दिखा रहा हूँ, जनसैलाब दिखा रहा हूँ, कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं। मेरे कैमरामैन दूर तक दिखाएंगे पूरा गा, ये जो हाईवे है, मैं इस समय ITO पर हूँ, ITO के पास, लक्ष्मी नगर के पास, पूरा जो गाजीपुर NH24 है, कभी प्रधानमंत्री ने यहाँ से इवेंट मैनेजमेंट किया था, इस सड़क पर आए थे, उन्होंने मीडिया बुलाया था, लोग बुलाए थे, आज उसी सड़क पर किसानों ने कब्जा कर लिया है और अब वो लगातार मेरे कैमरा में आपको दिखा रहे हैं, लगातार किसान देखिए किस तरह से बैरिकेड किया गया था। एक मिनट भैया थोड़ा साइड दीजिएगा, बात करनी है, किसानों की राय लेनी है मुझे, एक तरफ इधर आ जाइए, फिर से आप आ जाइएगा। तो कब्जा कर लिया है किसान ने, अब तो साफ हो गया है जिस तरह से बैरिकेड लगाए गए थे, दिखाइए एक बार मेरे कैमरामैन, अब किसान को रोकना मुश्किल है, नामुमकिन है, और बैरिकेड, और लोग देखिए, आम लोग, दिल्ली के लोग, जनता इनका स्वागत कर रहा है। इस समय बॉर्डर पर देखिए कितनी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन किसानों ने अब तय कर लिया है, अभी जो खबर मिल रही है ITO तक पहुंच गए हैं, संसद भवन के पास पहुंच गए हैं किसान, लाखों की संख्या में किसान चारों तरफ से, गाजीपुर बॉर्डर पर भी लाठीचार्ज हुआ है, सिंघु बॉर्डर पर, और देखिए पुलिस वाले मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है सबके, देखिए महिलाओं का जत्था देखिए, तो ये किसान मानने वाले नहीं है। ये तस्वीरें नेशनल दस्तक पर देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है, कोई भी चैनल वाला कोई आ रहा है? हाँ बहुत सारे इधर चैनल वाले, नहीं नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया TV आज तक जी नहीं जैसा चैनल तो नहीं, अभी तो कोई नहीं देखा, अभी कोई नहीं देखा, नहीं अभी कोई नहीं आया। तो देखिए ये बड़ी साजिश है, लेकिन किसान मानने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, बड़ी साजिश दिखा रहा हूँ, किस तरह से बैरिकेड तोड़ के किसान घुसे हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, अब जंतर मंतर पर कब्जा है, 10 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली में ट्रैक्टर लेके घुस चुके हैं, सरकार के लिए मुश्किल है, ऐसा गणतंत्र कभी नहीं देखा था हमने, ये देखिए गणतंत्र है, ये गणतंत्र है, कैमरा उधर देखिए, उधर रखिए, उधर रखिए कैमरा, उधर रखिए, मुझे मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए, मुझे मोबाइल दीजिए, देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कम संसाधन में जितना कर सकता हूँ, ये तस्वीरें बयां कर रही है, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, ये देखिए सोशल मीडिया के साथ ही किस तरह से ट्रैक्टर पर हैं, तो ये शानदार तस्वीरें आप बयां कर रहे हैं, ये देखिए आप कल्पना नहीं कर सकते, इंटरनेट कर दिया गया है, उसके बाद भी हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सोचिए बैरिकेड तोड़ दिया गया था, उसके बाद भी तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से, अब पुलिस की भारी संख्या के बाद भी ये देखिए किस तरह से बैरिकेड तोड़ दिया गया था, ये देखिए किस तरह से बैरिकेड किया गया था, ट्रक लगा दिए गए थे, ये देखिए ट्रक से सड़क को जाम कर दिया गया था, उसके बाद किसानों ने ट्रक को साइड कर दिया, तो पुलिस ने अपनी पूरी बर्बरता दिखाई है, पुलिस ने लगातार कोशिश किया किसानों को रोकने की, संसद भवन घुस चुके हैं,
सरकार को गफलत थी कि ये मुसलमानों की तरह दलितों की तरह आंदोलन को निपटा देंगे, ऐसा नहीं हो पाया है। मैं खुद शिकार हुआ हूँ, मुझ पर गोला आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, मैं भाग के गया था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था। आप कल्पना करेंगे इस तरह से ट्रक लगाई गई थी, उसके बाद भी किसान नहीं झुके हैं, ये है किसानों की ताकत। और वो पहुंच चुके हैं, दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, संसद पर कब्जा करेंगे, जंतर मंतर पर कब्जा करेंगे। जवाब देना पड़ेगा इस देश के पुलिस को, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कि आखिर वो अपने ही नागरिकों के साथ, कहिए देखिए बहुत उत्साह है, बहुत ताकत है किसानों में, वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें बयां कर रही है सारी, आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह की तस्वीरें हैं। मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको, पूरा जूम करके दिखाइए लोग किस तरह से छतों से समर्थन कर रहे हैं। तो पूरा दिल्ली के लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं, पुलिस महकमे को लगाया गया था, आप कल्पना कीजिए। कभी देखा आपने इस तरह के ट्रक लगाए गए थे? शर्म आती है कि क्या हम इस देश के नागरिक हैं, नागरिकों के साथ अत्याचार किसानों के साथ। ट्रक पूरा सरकाया गया, हाथ से, हाथ से नहीं, गाड़ी से सरकाया गया, कुछ लोग हाथ से सरकाया, तोड़े गए हैं। तो आप कल्पना नहीं कर सकते अपने ही किसानों के साथ पुलिस का बर्बर रवैया है, तानाशाही दिखाया जा रहा है। किसानों ने आर पार की ठान ली है, वो वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है, और किसान दिल्ली में घुस चुके हैं। किसानों ने जंतर मंतर घेर लिया है, किसानों ने संसद घेर लिया है। लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि उनको जाने न दिया जाए, लेकिन किसानों की ताकत, किसानों का उत्साह, अभी जो रिपोर्ट आ रही है, किसान आईटीओ तक जा चुके हैं, संसद भवन के पास हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा था मीडिया में, मुट्ठी भर किसान है, शर्म आनी चाहिए इस देश के पत्रकारों को, टेलीविजन चैनल वालों को, अखबार वालों को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने किसानों को बदनाम किया है, खालिस्तानी कहा है, पाकिस्तानी कहा है। ये लोकतंत्र बचाने की अंतिम लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। ये देखिए महिलाओं का जत्था है, कंगना रनावत। इस देश के मीडिया को शर्मसार होना चाहिए, इन तस्वीरों को देखना चाहिए जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, अद्भुत है। संविधान बच रहा है, लोकतंत्र बच रहा है, इन किसानों का एहसानमंद होना चाहिए इस देश को, जिन्होंने उनको डिक्टेटरशिप के खिलाफ बचा लिया है। किसानों को एहसानमंद होना चाहिए। भैया मैं बात, आप रुकिए रुकिए रुकिए, आइए इधर आइए। आप लोगों का तो एहसानमंद होना चाहिए देश को, आप लोगों ने जनता को बचा लिया, डिक्टेटरशिप आ गई जी। नहीं, ये पूरे जनता का मुल्क है जी, ये हम लोग पर्टिकुलर कोई इसमें खास नहीं है, लेकिन अब लोगों को समझ आ गई है कि हमारे विरोध में क्या किया जा रहा है। सरकार डिक्टेटर है, हिटलर है, बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कहने की कोई दोराय नहीं है, आप सब स्पष्ट है। आप कभी देखे होंगे इस ट्रक जाम किया गया, बैरिकेड लगाए गए हैं, हां भाई, अपने ही देश के किसानों के खिलाफ साजिश हो रही है। आप तस्वीरें दिखाइए, सरासर ताना चाहिए, सरासर ताना चाहिए। तानाशाह को ध्वस्त कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल, जीत के जाएंगे वापस घर अपने। संसद तक पहुंच गए हैं किसान, जंतर मंतर तक किसान पहुंच गए हैं, अमित शाह मोदी के घर तक किसान पहुंच गए हैं। दिल्ली में किसानों को आने दिए, देखिए तमाम युवा किसान है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार को वोट किया था, आज किसान उनको जाने नहीं दे रही है। आप कल्पना नहीं करते, मोदी जी गए भाई साहब, बहुत हो गया, इनको बहुत मन लगा लिया इन्होंने, कहानी खत्म, अच्छा दाम के बाद किसानों से पंगा ले लिया इन्होंने। आप लोग को उम्मीद थी कि मोदी जी आप लोग साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, अब कर गया तो कर गया, कोई बात नहीं, देख लो फिर किसान कौन सा पीछे हट रहे हैं हमारे भाई, किसान कौन सा पीछे हट रहा है। लोकतंत्र की ताकत दिखा रहा हूँ आपको, लोकतंत्र की ताकत दिखा रहा हूँ, डेमोक्रेसी की ताकत दिखा रहा हूँ। जनता का अधिकार सबसे पहले होता है। मुसलमानों को मारा गया, दलितों को मारा गया, आंदोलन खत्म किए गए, लगातार पुलिसी आतंक मचाया गया देश में, पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे उनको जेल में डाला गया। क्या सरकार इतने किसानों को जेल में डाल पाएगी? मीडिया वाला नहीं आ रहा, टीवी अखबार वाला कोई बात नहीं आता है। मोदी जी कब तक मारेंगे हम लोग मरने के लिए तैयार बैठे हैं। एक दिन कोई टीवी अखबार वाला आया है? नहीं आया, बड़ा वाला वो भी बैन लेके जो घूमता है, वो नहीं आया अभी, बड़ा वाला कोई नहीं आया। तो ये देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही है, शब्द नहीं है मेरे पास। किसानों की ताकत का अंदाजा नहीं होगा सरकार को। जंतर मंतर, संसद भवन तक किसान घुस चुके हैं, बड़ी ताकत दिखाई है किसानों ने, आप कल्पना नहीं कर सकते। तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें देख लीजिए आप, ये तस्वीरें देख लीजिए आप, तस्वीरें देख लीजिए आप।
आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किसानों की ताकत का। अभी जो खबर मिल रही है जंतर मंतर से लेकर संसद तक किसान घुस गए हैं, किसानों ने कब्जा कर लिया है संसद के पास आसपास जंतर पूरी दिल्ली में। लेकिन देखिए कितनी शर्मनाक तस्वीरें, इस तरह से पुलिस ने बैरिकेड लगा के रोका था। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, महिला है पुरुष है सब अपने ताकत से आए हैं, चल के आए हैं। अब ये तो मोदी जी को पीछे हटना ही पड़ेगा किसान की ताकत देखने के बाद। देख लीजिए आप मुट्ठी भर किसान, पिछले दो घंटे से किसानों का तांता टूट नहीं रहा है। दिल्ली जाम कर दिया किसानों ने, इतिहास का आंदोलन है, बड़ा आंदोलन है, सबसे बड़ा आंदोलन है, आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन दिखा रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा आंदोलन दिखा रहा हूँ। आप कल्पना भैया थोड़ा आगे से हट जाइए, थोड़ा आगे से हट जाइए, सरदार जी थोड़ा सा जगह दे दीजिए। देश को दिखाना चाहता हूँ किस तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई थी और किस तरह से किसानों ने कब्जा कर लिया है अब देश पर। किसानों ने बता दिया है कि उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, हाथों में तिरंगा है। किसानों ने बता दिया है कि वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, सरकार ने जिस तरह से उनको परेशान किया है। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार को तीनों मांगे माल लेनी चाहिए, किसानों का ये बिल वापस लेना चाहिए। ये जो आज व्यवहार हुआ आप लोगों के साथ, इस पर क्या कहेंगे आप लोगों? सरकार का निकम्मापन है, सरकार डरती है अपनी जनता से, किसानों से डर रही है। ये टीवी अखबार वाला तो आ नहीं रहा, नहीं दिखाएंगे, वो बिके हुए हैं, वो बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है। देश का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन जो है वो टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है, अखबार में नहीं दिखाया जा रहा है। 10 लाख किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में घुसे हैं, उससे ज्यादा किसान आ रहा है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, उसको जगह जगह रोका जा रहा है, यूपी में रोका जा रहा है, रास्ते में रोका जा रहा है, जगह जगह चौराहे में रोका जा रहा है उसको, जो है उसके ऐतिहासिक आंदोलन की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आने वाली नस्लों के लिए डेमोक्रेसी है भारत में, लोकतंत्र बचाने की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहा हूँ। किस तरह से पुलिस ने बैरिकेड किया था, किस तरह से उस बैरिकेड को तोड़ा है किसानों ने। और ये देखिए रिटायर्ड जवान आ गए हैं। तमाम किसान, बड़ा जत्था है, 10 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली में घुसे हैं। कोई भी टेलीविजन अखबार वाला इस खबर को नहीं दिखा रहा है, कितना शर्मनाक है। आशीष संभव हो तो नीचे आ सकते हैं क्या हम लोग? अगर आराम से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, तिरंगा है, सबसे बड़े राष्ट्रवादी किसान हैं वो, निकल पड़े हैं, कारवा निकल पड़ा है, 10 लाख ट्रैक्टर लेके किसान घुस चुके हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किसानों की इस ताकत का। ये देखिए किसानों की इस ताकत को देखिए, किसानों के इस जत्थे को देखिए, किसानों की इस ताकत को देखिए, असली राष्ट्रवादी किसान है। ये देखिए सेना के जवान है, ये सब घुस पड़े हैं। तो कब्जा हो गया है संसद पर, कब्जा की तस्वीरें दिखा रहा हूं। डेमोक्रेसी में जनता सबसे बड़ी होती है, लेकिन देखिए मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं आ रहा है, कोई टेलीविजन अखबार नहीं आ रहा है, कोई बड़ा चैनल इस आंदोलन को नहीं दिखा रहा है, कोई टीवी अखबार नहीं आ रहा है। ये है डेमोक्रेसी की ताकत है, कोई टीवी अखबार वाला नहीं आ रहा है। टीवी अखबार वाले आएंगे क्यों? क्योंकि मोदी ने खरीद लिया, बिकाऊ मीडिया हो रही है। जो सच्चे किसान के मित्र हैं वो केवल कवर करने के लिए आ रहे हैं, बाकी कोई कवर करने के लिए नहीं आ रहा है। संसद भवन पर कब्जा हो गया है, 10 लाख किसान दिल्ली में है भाई। यदि स्थिति यही रहेगी मैं तो इनसे कहूंगा कि जो सांसद हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं ये भी किसान के बालक हैं, इन्हें देखना चाहिए। यदि अंधाता ये सरकार आप लोगों को तो नागरिक ही नहीं समझ रही। नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं, ऐसा हो सकता है कि ये इस देश के नागरिक ना हो। मीडिया वाला तो आया, इतना 10 लाख ट्रैक्टर ले आया, मीडिया नहीं आ रहा है। मीडिया आएगा क्यों? मीडिया तो मोदी जी ने खरीद लिया, मोदी जी के हाथों। ये तस्वीरें ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐतिहासिक तस्वीरें है ये। युवा, किसान, बुजुर्ग सब ट्रैक्टर पर निकल गए हैं। देश की सबसे ऐतिहासिक तस्वीर दिखा रहा हूँ, कोई मीडिया नहीं है यहाँ पर, सबसे ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कोई मीडिया नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, जनसैलाब है ये, हाथों में तिरंगा है, जनसैलाब है ये, फूलों की बारिश की है जनता ने, पुलिस जो है डंडे चला रही है, पुलिस की बारिश है। ये देखिए संसद पर कब्जा,
बात करेंगे। ये देखिए युवा लोग है, गाड़ियों पर देखिए फूलों की बारिश हुई है, फूलों की बारिश हुई है, तिरंगा है। अब संसद पर कब्जा, जनरल में देखिए कितना लोकतंत्र है, कह रहे हैं कब्जा नहीं बस अपना अधिकार चाहिए सरकार के खेत। देखिए फूलों की बारिश की है जनता ने, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अद्भुत है, अकल्पनीय है। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, पहले डर लगता था, सरकार का गुरु टूट गया, गुरु टूट गया। किसान एकता का संघर्ष है, किसान में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करता। वाह वाह वाह, ऐसा देखिए, ये देखिए, ये युवा, रोको रोको रोको, मोदी जी बात नहीं मानेंगे आप, मोदी जी बात नहीं मानेंगे तो मना कर जाएंगे। मीडिया वाला आ रहा, अभी भी मीडिया वाला, जब तक बिल वापसी नहीं होगा। ये देखिए देखिए, किसान की बहन बेटी, रोकिए रोकिए, किसान की बहन बेटी सड़कों पर है। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? हम मोदी जी के लिए ये कहेंगे, जो उन्हें काला कानून वापस लेना होगा, क्योंकि आज उन्हें पता चलेगा कि किसानों की ताकत क्या है। ये देखिए जज्बात देखिए इनके, और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, इस देश के एससी एसटी ओबीसी को समझना पड़ेगा कि जब किसानों को मीडिया नहीं दिखा रही है तो दलितों को पिछड़ों को क्या दिखाएगी। ये देखिए लोग, देखिए लंगर खिला रहे हैं, किसानों का स्वागत कर रहे हैं, कहाँ से भाई साहब? यहीं से हैं जी, लोकली। ये देखिए लोकल लोग जो है किसानों का सम्मान कर रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, पानी पिलाया जा रहा है। आजाद भारत की सबसे ऐतिहासिक रिपब्लिक जो दिखा रहा हूँ, आजाद भारत का सबसे ऐतिहासिक गणतंत्र दिखा रहा हूँ, ये है डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की ताकत, ऐतिहासिक भारत की सबसे बड़ी तस्वीर है, लोकतंत्र की तस्वीर है, गणतंत्र की तस्वीर है। किस तरह से किसानों के साथ है, क्या कहेंगे सरकार को? सरकार जल्दी से जल्दी ये कानून वापस ले, ये तो दिल्ली में घुसने ही नहीं देना चाह रही थी जी, अभी तक हम भी घुसना नहीं चाह रहे हैं, जिस दिन घुसना चाहेंगे हम घुस भी जाएंगे। वाह 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 वाह, ऐतिहासिक तस्वीरें है, ऐतिहासिक तस्वीरें है, ये कारवा खत्म नहीं हो रहा है, कारवा खत्म नहीं हो रहा है। फूलों की बारिश हुई है, लोकल लोगों ने बारिश किया फूलों की, लोकल लोगों से भी बात करेंगे। ये देखिए, ये देखिए सर के पार दी गई है फूलों से, पुलिस वाले बैरियर लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं पुलिस वाले बैरियर लगा रहे हैं। ये देखिए ऐतिहासिक तस्वीरें है, ये ऐतिहासिक तस्वीरें है, ये लोकतंत्र की ऐतिहासिक तस्वीर, खत्म कीजिए अब तो। देखिए लोकतंत्र की ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहा था मैं आपको, गणतंत्र है आज, ऐतिहासिक रिपब्लिक डे है, लेकिन इस देश की बेईमान मीडिया अखबार आज भी लोगों के साथ नहीं है। आज तक कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।